Drop it. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं मैथ को पढ़ने के लिए, और अगर आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी करते हैं या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप मुझे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपने सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दूसरा, मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एजुकेटर हूं, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां अनअकैडमी पर विपिन कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा मुझे, और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और विपिन कुमार के नाम से मुझे आप वहां सर्च कर सकते हैं। और मैं अपने यूट्यूब के हर वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ का लिंक दे देता हूं। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर अनअकैडमी पर भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, और गणित को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं क्लास को। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार पांडे, जीकेजीएस के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। ये प्रश्न लगातार विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं, और आप काफी इन प्रश्नों को हल कर आप काफी लाभान्वित होंगे, और मेरा प्रयास है कि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगातार मैं आपको हैसो देता रहूं। तो सबसे पहले आप हैसो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो जो निरंतर प्रतिदिन आपको करेंट अफेयर्स के रूप में और जीके जीएस के विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वह हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, या फिर आपको हैसो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान से हो, या फिर करेंट अफेयर से हो, लगातार आपको प्रश्न प्रतिदिन डाले जाएंगे, और आप इसका कितना लाभ उठा सकते हैं इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप हैसो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी है उसको भी दबा दें। यदि घंटी ना दबा पाएंगे तो आपको हमारा नोटिफिकेशन समय से नहीं मिल पाएगा। तो धन्यवाद, और इसी के साथ मैं जो हैसो आज का यह करेंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों को आपके समक्ष रख रहा हूं। पहला प्रश्न है, देखेंगे, पहला प्रश्न है मान बुकर पुरस्कार 2018, मान बुकर पुरस्कार 2018 किसे दिया गया। ऑप्शन आपके समक्ष है, ए है एन्ना बर्न्स, बी है पॉल बेटी, सी है जॉर्ज सैंडर्स, और डी है मार्लोन जेम्स। आपको जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि मान बुकर पुरस्कार है सो दो मान बुकर पुरस्कार दिए जाते हैं आपको, लंदन में दिए जाते हैं, और यह राष्ट्रमंडल देश एवं आयरलैंड और जिम्बाब्वे, ये आपको जो है सो देश, इन देशों के जो भी आपको उपन्यास जो लिखते हैं उपन्यास के क्षेत्र में, ये पुरस्कार उनको दिए जाते हैं। तो ये सभी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं मान बुकर पुरस्कार, और मान बुकर पुरस्कार है सो दो हैं, एक मान बुकर पुरस्कार, एक मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी, और मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई है। साहित्य के क्षेत्र में अब तक ये मान बुकर पुरस्कार जो दिए जाते हैं, भारत के भी 5 लोगों को यह जो है सो मान बुकर पुरस्कार अब तक मिल चुका है, जिनमें 1971 में बीएस नायपाल, आप जानते हैं बीएस नायपाल 1981 में सलमान रुश्दी, जिनको उनके प्रसिद्ध जो उनकी कृति थी मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, बिल्कुल बहुत चर्चित पुस्तक रही है उनकी, सलमान रुश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, और बहुत सारे परीक्षाओं में, आज से पूर्व बहुत सारे परीक्षाओं में इस पुस्तकों के विषय में प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। और 1997 में अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया, 2006 में किरण देसाई को द इनहेरिटेज ऑफ लॉस के लिए दिया गया, और 2008 में अरविंद अडिग को द व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया। तो आपको हम बताते चलें कि यह पुरस्कार जो है सो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2018 का यह जो पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार, वह एन्ना बर्न्स को दिया गया है, एन्ना बर्न्स को दिया गया है 2018 का, और इसके आंसर हैं एन्ना बर्न्स, बिल्कुल आप देख सकते हैं एन्ना बर्न्स, जो कि उत्तरी आयरलैंड की लेखिका हैं, आपको उपन्यास उनका, और उनके पुस्तक का नाम है मिल्कमैन, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आज के समय के लिए, क्योंकि परीक्षाओं में ये बहुत ही पूछे जाएंगे,
तो मिल्कमैन के लिए दिया गया है आपको एनाबंस को। अब हम है सो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको। नोबेल शांति पुरस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी, और नोबेल शांति पुरस्कार जो है सो अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इनसे जरूर ही एक चीज को बताएंगे। बड़ा ही रोचक कहानी है कि जब ही उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था तो वो कहीं ना कहीं इसका आविष्कार एक सापेक्ष और अच्छे कार्यों के लिए किया था, लेकिन इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। जब किसी समय में अल्फ्रेड नोबेल की तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में थे, अस्पताल में थे, तो उनको सुबह में, अगले दिन सुबह है सो उनके पास अखबार आया, और अखबार में उन्होंने देखा कि दुनिया को बर्बाद करने वाला व्यक्ति की मौत हो गई। यह जानकर उनको काफी दुख हुआ कि हमने इसको किस उद्देश्य से बनाया था और मेरी मृत्यु के बाद दुनिया क्या जानेगी। और जिसके बाद उन्होंने घोषणा की, अपने वसीयत में यह बताया कि मेरे जो भी धनराशि हैं उस राशि का प्रयोग एक अच्छे कार्यों में किया जाए। और उनकी मृत्यु के बाद है सो यह नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो यह नोबेल पुरस्कार आपको प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और विश्व के प्रसिद्ध पुरस्कारों में से हैं, और बहुत सारी धनराशि इसमें दी जाती है। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। इन 6 क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आपको नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत से अब तक शांति के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को, 1979 में मदर टेरेसा को और 2014 में है सो कैलाश सत्यार्थी को, ये शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो यहाँ पर जो है सो इस वर्ष 2018 के लिए 2 व्यक्तियों को आपको शांति का पुरस्कार दिया गया है। इनमें एक व्यक्ति का ही नाम दिया गया है और यहाँ पर आंसर है वह होगा नादिया मुराद, जो कि इराक की हैं। ये नादिया मुराद को दिया गया है। इनके साथ संयुक्त रूप से कांगो के डेनिस मुकवेज को भी यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन में केवल एक नाम है, चूंकि परीक्षाओं में आपको है सो थोड़े आपको कंफ्यूज करने के लिए एक नाम को डाला जाता है, तो आपको ध्यान से देखना है। और आप यहां देख सकते हैं कि नादिया मुराद जो इराक की हैं उनको है सो दिया गया है पुरस्कार। यह पुरस्कार यौन हिंसा को युद्ध में हथियार की तरह इस्तेमाल करने के प्रयास के योगदान के फलस्वरूप यह पुरस्कार इन लोगों को दिया गया है। तो बड़ा ही यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस समय के लिए बन जाता है और आप इसको जरूर से ध्यान देंगे। ऐसे भी नोबेल के सभी पुरस्कार जो हैं सो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओके, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, अभी हाल में जून 2018 में भारत के सबसे युवा ग्रांड मास्टर कौन है बने हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, ऐसे भी आप जानते हैं कि ग्रांड मास्टर जो है सो शतरंज के क्षेत्र में शतरंज के खिलाड़ी को दिया जाता है। और यहां पर शब्द है युवा, भारत के सबसे युवा। अब तक है सो 52 शतरंज के खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर का पुरस्कार दिया जा चुका है। और आप जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले ग्रैंड मास्टर जो है सो विश्वनाथ आनंद बने थे। विश्वनाथ आनंद सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और हमारे भारत के आपको जो है सो सबसे युवा खिलाड़ी, आप उम्र जानकर आश्चर्य करेंगे कि इनका उम्र मात्र 12 वर्ष 10 माह और 13 दिन है। और वह जो व्यक्ति हैं वह हैं आर प्राग नंदा। और ये जो है सो इनको है सो आपको जो है सो सबसे युवा, ऐसे विश्व में ये दूसरे नंबर पे आते हैं। तो आर प्राग नंदा भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 में। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ कि यह प्रश्न जो है सो अभी हाल में केबीसी के द्वारा भी पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-17 प्रदान किए गए, बिल्कुल 2016-17 आपको है सो प्रदान किए गए थे। भारत के पर्यटन मंत्री, आपको पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री KJ अल्फोंस के द्वारा यह पुरस्कार आपको है सो दिया गया है। और यह पुरस्कार उनको दिया जाता है जो पर्यटन को बढ़ावा देने में विशेष कार्य करते हैं, अर्थात पर्यटन को बढ़ावा देने में उन राज्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और भारत में
इस बार जो कि 2016-17 का यह पुरस्कार है, सो आंध्र प्रदेश को है सो दिया गया है। प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश रहे हैं, आंध्र प्रदेश को दिया गया है, और दूसरे स्थान पर केरल रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, और अभी कुछ एक परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि केबीसी में यह जो है सो प्रश्न पूछा गया है। ओके, हम लोग है सो अगले प्रश्न पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 4, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप देख सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 साई खोम मीराबाई चानू, यह जो है सो खिलाड़ी साई खोम मीराबाई चानू को दिया गया। इनका संबंध किस खेल से है? आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रश्नों को उलट फेर करके बनाया जाता है। क्वेश्चन यह भी बनाया जा सकता था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 किसको दिया गया, तो यहां पर आपको साई खोम मीराबाई चानू किस खेल से जुड़े हुए हैं यह प्रश्न बनाया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों को दिया गया है, साई खोम मीराबाई चानू को और विराट कोहली को। विराट कोहली जो है सो क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, तो काफी चर्चित हैं व्यक्ति, तो इसलिए यहां पर जो प्रश्न बनाया गया है वह है साई खोम मीराबाई चानू। और मैं बताता चलूं यहां पर ऑप्शन में जो आंसर होगा वह होगा भारोत्तोलन। बिल्कुल भारोत्तोलन, साई खोम मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन खेल से है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर छह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से ही जुड़े हुए हैं और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं आज के समय के लिए, इसलिए कि इनमें से आप देखते हैं क्रिकेट बहुत चर्चित गेम है, और क्रिकेट से जुड़े हुए प्रश्न में यदि कंफ्यूजन तैयार हो जाए तो बड़ा ही रोचक प्रश्न बन जाता है। आप देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अब तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अब तक राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? और आपके पास ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहां पे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। आप यहां पे आंसर होगा वीरेंद्र सहवाग। अब यहां पर आपको आंसर चुनना बड़ा ही आसान हो जाता है, वह इस प्रकार से कि 1998 में सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। सभी हैं सो 8 का एक आंकड़ा है, 1998 में सचिन तेंदुलकर को, 2008 में महेंद्र सिंह धोनी को, और 2018 में विराट कोहली को। याद करना बड़ा ही आसान है, 1998 में सचिन तेंदुलकर को आपको, 2008 में महेंद्र सिंह धोनी को, और 2018 में विराट कोहली को। तो इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं वीरेंद्र सहवाग, और वीरेंद्र सहवाग को जो है सो अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखने में तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्नों में कुछ ऐसी बातें होती है जिससे प्रश्न जो है सो सहज नहीं रह जाता। और आप देख सकते हैं केरल का राजकीय फल 2018 में निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया? केरल का राजकीय फल 2018 में निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया? अब आपके पास ऑप्शन सामने पड़े हुए हैं, ए है नारियल, बी है इलायची, सी कटहल और डी काजू। आप जानते हैं कि केरल में सबसे अधिक इन चीजों की बहुलता पाई जाती है, नारियल, इलायची, काजू, ये सभी व्यापक रूप से बहुत ज्यादा वहां पाए जाते हैं। कटहल के विषय में बहुत नहीं जाना जाता, लेकिन केरल जो है सो अपना राजकीय फल जो है सो कटहल को घोषित किया, और इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे कटहल। बिल्कुल कटहल इसके आंसर हो जाएंगे। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 7, बिल्कुल ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, विंबलडन टेनिस, बहुत ही चर्चित टेनिस का टूर्नामेंट। आप जैसा कि जानते हैं कि विश्व स्तर पर 4 टेनिस की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, पहला ऑस्ट्रेलियन,
टेनिस, दूसरा है अमेरिकन ओपन टेनिस, तीसरा है विंबलडन टेनिस और चौथा है फ्रेंच टेनिस। आप बाकी सभी उन देशों के नाम से जुड़े हुए हैं विंबलडन टेनिस को छोड़कर। अगर ऑस्ट्रेलियन टेनिस की बात करें तो वह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाती है, अगर अमेरिकन की बात करें तो अमेरिका में आयोजित की जाती है, अगर हम फ्रेंच टेनिस की बात करें तो वह है सो फ्रांस में आयोजित किया जाता है। लेकिन विंबलडन टेनिस जो है सो नाम कुछ अजीब है, इस वजह से है सो इसको जानना बेहद जरूरी है। विंबलडन टेनिस है सो ब्रिटेन में अर्थात इंग्लैंड में इसका आयोजन होता है और यह चर्चा में इसलिए भी रहता है कि यह टूर्नामेंट हरे घास पर खेला जाता है, तो इसके जो कोर्ट होते हैं वह हरे घास के होते हैं। तो यहाँ पर विंबलडन टेनिस के विषय में आपको हम यह बताना चाहेंगे कि रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के हैं, नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, केविन एंडरसन जो दक्षिण अफ्रीका के हैं और माइक ब्रायन जो अमेरिका के हैं, इन सभी में जो 2018 के आपको विंबलडन टेनिस पुरुष एकल वर्ग के विजेता हैं वह हैं आपको नोवाक जोकोविच सर्बिया के। बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हैं कि नोवाक जोकोविच आपको जो हैं सो सर्बिया के जो हैं वो हैं। तो ये जो है सो आपको एक चीज और बताते चलें कि बहुत बार परीक्षाओं में जो है सो व्यक्ति से जुड़े हुए देश के नाम को भी पूछा जाता है, तो आप जरूर से इन देशों के नाम को भी जरूर से याद कर लेंगे कि रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, नोवाक जोकोविच जो है सो सर्बिया से खेलते हैं, केविन एंडरसन दक्षिण अफ्रीका से खेलते हैं और माइक ब्रायन जो है सो अमेरिका से खेलते हैं। तो अब हम लोग है सो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है हमारा वो है सो क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 9 अभी के दिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ना केवल अभी के दिनों के लिए बल्कि प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट आपको जारी किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट आपको, जो कि किसी भी देश की स्वास्थ्य शिक्षा और राष्ट्रीय आय को ध्यान में रखते हुए यह बनाया जाता है। इस बार 2018 की रिपोर्ट में कुल है सो 189 देशों को सम्मिलित किया गया, और मैं बताता चलूं यहां पर कि यह जो है सो मानव की विकास का रिपोर्ट देता है। पिछले वर्ष 2017 में जो रैंकिंग भारत को दी गई है 17 के जो भी है सो 17 वर्ष में जो है सो शिक्षा स्वास्थ्य और आय के आधार पर जो भारत को रैंकिंग दी गई है वह है सो 130वां रैंकिंग भारत को दिया गया है। तो ये 2017 के आधार पे 2018 में यह रिपोर्ट दिया गया है, और इससे पूर्व 2017 में अर्थात 2016 के आधार पे 2017 में भारत 131वें स्थान पे था। तो हम यहाँ मानव विकास रैंकिंग रिपोर्ट में इस प्रश्न के आधार पे आपका आंसर होगा 130वां। बिल्कुल अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, उससे ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, ऑप्शन आपके समीप है, ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी यूएनडीपी और डी डब्ल्यूएचओ। सभी आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां हम बताते चलें मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष है सो यूएनडीपी के द्वारा है सो जारी किए जाते हैं, यूएनडीपी के द्वारा जारी किए जाते हैं, और यहां आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। बिल्कुल यूएनडीपी के द्वारा जारी किए जाते हैं, यह आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। और हम लोग है सो अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11, और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है 11 नंबर, अभी हाल में फीफा के वर्ष 2018 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ल्यूका मॉन्ड्रिच किस देश के खिलाड़ी हैं, ल्यूका मॉन्ड्रिच किस देश के खिलाड़ी हैं। और यहां आप देखेंगे कि ल्यूका मॉन्ड्रिच जो हैं सो वह 2018 में आपको फीफा के द्वारा बेस्ट फुटबॉलर का उनको खिताब दिया गया है, और ये जो हैं सो क्रोएशिया के हैं, यहाँ पर। और इस प्रकार से फीफा जो है सो प्रत्येक वर्ष फुटबॉलर बेस्ट फुटबॉलर को है सो उसको ये सम्मानित करता है, और यहाँ पर है सो ल्यूका मॉन्ड्रिच हैं। 2016-17 की अगर हम बात करें तो 2016-17 में आपको जो है सो 2016-17 में
ल्यूका मॉड्रिच आपको 2016-17 में नहीं रहे हैं, और हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर है आपको, सॉरी हम यहाँ पर बताना चाह रहे थे जो कि ये जो पुर्तगाल के 16-17 में पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है सो बेस्ट फुटबॉलर के रूप में आपको उनको सम्मानित किया गया। तो अब इस क्वेश्चन से हटकर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पीएसएलवी सी 42 द्वारा अभी हाल में ब्रिटेन के कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। आप जानते हैं किसी समय में हमारा देश है सो अन्य देशों पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर करता था, लेकिन आज जो है सो हम खुद इतने सक्षम हैं कि हम अपने अतिरिक्त अन्य देशों के सैटेलाइटों को भी अंतरिक्ष में स्थापित कर रहे हैं। बीते दिनों में बहुत सारे देशों के सैटेलाइट को हम अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं, और इस बार PSLV C-42 द्वारा ब्रिटेन के दो उपग्रहों को हमने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। तो इस प्रकार से यहाँ PSLV C-42 द्वारा ब्रिटेन के दो उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, और आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, बिल्कुल दो उपग्रह, ब्रिटेन के दो उपग्रहों को आपको अंतरिक्ष में है सो स्थापित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर आते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन नजर आता है, लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हमें करते हैं, जो कि आपको यहां पर कंफ्यूज कर सकता है, और इसीलिए याद करना बहुत ही जरूरी है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके पाकिस्तान और उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम को याद करना हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए जो है सो जो भी पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं उनके नाम को जरूर से याद कर लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इब्राहिम मोहम्मद अभी हाल में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ऑप्शन आपके सामने है, पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान और मालदीव, और बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर होगा मालदीव, बिल्कुल आंसर मालदीव होगा, और आंसर है सो मालदीव। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल अभी आप जानते हैं कि अभी हाल में जो है सो रंजन गोगोई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, और ये इधर के दिनों में ऐसा देखा जाता है कि सभी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, या फिर ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जाने वाले व्यक्तियों की क्रम संख्या पूछ दिया जाता है कि इनका क्रम क्या है, अर्थात जब से पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश हुए हैं उनसे लेकर आज जो वर्तमान में न्यायाधीश जो बने हैं उनका क्रम क्या है। और यहाँ पर वही प्रश्न पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीशों के क्रम में इनका स्थान क्या है। बिल्कुल ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन में है ए 42 में, बी 44 में, सी 45 में, और डी 46 में, और इसका आपको जो है सो आंसर होगा 46 में कड़ी में ये जो है सो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हमारे जो रंजन गोगोई, ये जो है माननीय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई 46वें क्रम में है सो आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, और इनका संबंध असम राज्य से है। बिल्कुल असम राज्य से है, और एक और चीज बताते चले कि पूर्व में इनके पिताजी यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और अंतिम प्रश्न आपके लिए है, अंतिम प्रश्न है, और अभी हाल में ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश में किस चक्रवाती तूफान से भारी तबाही एवं जान माल का नुकसान हुआ। आप देखते हैं लगातार कि चक्रवात जो है सो अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, और जिनसे है सो उनके समीप के रहने वाले तटीय जो भी प्रदेश हैं उनको भारी नुकसान आपको होता है। ये चक्रवाती तूफान का नामकरण जो है सो पक्षियों के नाम पर किए जाते हैं, या फिर यह जो है सो देशों को निर्भर किए जाते हैं, देश विभिन्न देश हैं सो उनको करी के अनुसार वो इनका नामकरण करते हैं, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप हुदहुद, नीलम, नीलोफर और तितली ऐसे नाम दिए गए हैं। इनमें पाकिस्तान के द्वारा यह नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर जो ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश में जिस चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही और जानमाल का नुकसान किया वह है सो तितली है।
तितली, जिसके वजह से काफी नुकसान हुआ था। तो दोस्तों मैं अभी आपके सामने में ये 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न को लेकर आया हूं। यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को निरंतर देखेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं बहुत जल्द अगला 15 क्वेश्चन आपके समक्ष करेंट अफेयर्स का लेकर आ रहा हूँ और GK GS से जुड़े हुए और भी प्रश्नों को लेकर आपके वीडियो पर मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।